पिछले सेशन में भारत में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी और उसके परिप्रेक्ष्य में जो विकास हुआ है, आज तक जो आप देख रहे हैं आपके सामने है, उससे क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, क्या उसमें गुण है, क्या अवगुण है, वो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं शुरू करने वाला हूं औद्योगिक न्याय निर्णय और जो एक न्याय निर्णय निर्णय इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन, ये औद्योगिक न्याय निर्णय कि जो औद्योगिक जो है ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं उनके द्वारा जो न्याय निर्णय होते हैं, न्याय निर्णय मतलब है कि किसी विवाद वस्तु विवाद वस्तु या विषय विषय को फाइनली उसको डिसाइड कर देना, सामने समक्ष आए हुए साक्ष्यों के आधार पर विवाद वस्तु और विवाद का जो विषय है उसको पूरी तरह से फाइनली डिसाइड कर देना, ठीक है। ये न्याय निर्णय की प्रधानता में आता है, ठीक। तो एक जो औद्योगिक ट्रिब्यूनल बने हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बने हैं, जिनको कुछ हाईकोर्ट जैसे पटना हाईकोर्ट जो ये इंडस्ट्रियल एक्ट ट्रिब्यूनल बनते हैं उनको सिविल न्यायालय की तरह मानते हैं। पटना हाईकोर्ट का जो निर्णय है फिर उनको सिविल कोर्ट की मान्यता देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट उसको सिविल न्यायालय के रूप में नहीं मानती, आपस में विरोधाभास है। कुछ न्यायालयों में एक मत नहीं है कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है वो सिविल न्यायालय की श्रेणी में आता है कि नहीं आता, आपस में मतभेद, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि ट्रिब्यूनल की स्थापना क्यों हुई, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना है, ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई और इनके जो भी न्याय निर्णय थे वो उनके द्वारा जो सामाजिक और आर्थिक न्याय मिला, लोगों को मिलता। दूसरा है सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, ठीक, समाज के कल्याण के लिए जो भी यथासंभव होना चाहिए उस ट्रिब्यूनल के द्वारा वो सब चीजें डिसाइड की जाती हैं, किसी के साथ जो है अन्याय न हो। राज्य के भारत के संविधान आर्टिकल 38 और 39
में स्पष्ट प्राविधान है कि कोई भी राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित होगी। उसका प्रयास रहेगा कि राज्य जो है कल्याणकारी के रूप में उसका विकास हो, ये निर्देशक तत्व में आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है। इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ विद का शासन होना चाहिए। शासन मतलब है कि जो सही हो उसी का होना चाहिए, गलत को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। लोक हित ट्रिब्यूनल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो न्याय निर्णय जो हुए हैं उनका मुख्य सिद्धांत है, उनका मुख्य उद्देश्य है लोक हित, जनमानस का कल्याण, जन मानस का कल्याण। ठीक है, जो भी स्वामी और कर्मकार के बीच जो रिश्ते हैं उनके बीच जो डिस्प्यूट हो उससे जो भी न्याय निर्णय हो उससे लोक हित कल्याण समाज का हित हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, औद्योगिक न्याय का विकास, इंडस्ट्रियल मामले में न्याय हो, इंडस्ट्रियल मामले में न्याय हो। और न्याय कैसे होगा, उसका रूल है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। दूसरा, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं। माने कि बिहारी में उनकी मजदूरी में उनके वेतनमान में उनके एवरेज दिया जा रहा है उनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, और समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, तीसरा क्या है, अवसर की बराबरी, अवसर की बराबरी होनी चाहिए। बराबरी मतलब सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ये नहीं है किसी को ज्यादा किसी को कम। तो ये जो है औद्योगिक न्याय का विकास किया, इसके द्वारा हुआ औद्योगिक न्याय निर्णय के द्वारा जो भी निर्णय आए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आया उससे इनका विकास हुआ, न्याय का विकास हुआ। उसके बाद विशेष सहायता, इस मामले में यह है कि जो न्यायाधिकरण है ये अपने आप में सक्षम होता, लेकिन व्यवहारिक रूप में कभी ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जो टेक्निकल पॉइंट है उसमें उनको सहायता के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है, विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है जिससे वो केस को डिसाइड करते हैं। लेकिन न्यायाधिकरण जो होता है वो सक्षम होता है, वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो केवल एक अपनी ओपिनियन अपनी एक राय बनाने के लिए होता है। ठीक, जानकारी के लिए वो एक विशेषज्ञ की सहायता लेता है, और निर्णय की स्वीकारता, निर्णय की स्वीकारता, इसका काम तो यह है न्यायाधिकरण के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं
वो दोनों पक्षों को स्वीकार करते हैं, दोनों पक्षों को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी पक्षकार व्यथित नहीं होता है, सभी लोग संतुष्ट होते हैं, इसलिए जो है न्यायालय जो निर्णय है वो स्वीकार का होते हैं। दूसरा है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस मतलब होता है कि कोई भी निर्णय कोई भी आदेश किन आधार पर निर्णय किया गया है या आदेश पारित किया गया है ये जानने का अधिकार है, जानने का अधिकार है। ऐसा कोई निर्णय या आदेश जो बिना कारण के पारित किया जाए वो न्याय नियम नेचुरल ऑफ जस्टिस के खिलाफ है, ठीक है ना, ये नेचुरल ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस है कि कोई भी निर्णय कोई भी आदेश किन आधारों पर निर्णय किया गया है, किन आधारों पर पारित किया गया है, वो आधार स्पष्ट रूप से प्रख्यापित होने चाहिए, वर्णित होने चाहिए, ठीक है ना। अगर इसकी अनदेखी की है तो नेचुरल जस्टिस नहीं है, तो ये नेचुरल जस्टिस भी होता है। और न्यायाधिकरण जो है वो न्यायिक कार्य करे, ठीक। इसमें एक केस ला है, नोट करिए, केस ला है, नोट करिए, बता रहे हैं। स्टेट ऑफ उत्तरांचल, स्टेट उत्तरांचल वर्सेस सुनील सिंह, सुनील सिंह नेगी, सुनील सिंह नेगी 2008 SSJ पेज संख्या 874 पर यह निर्णय किया गया है कि न्यायाधिकरण को न्यायिक ढंग से काम करना चाहिए, ठीक है ना। न्यायिक जो प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रणाली है, उसके तहत कार्य करना चाहिए, ठीक है। अब आपका इस चैप्टर जो था शुरुआत का वो समाप्त होता है, प्रारंभिक चैप्टर है। अब मैं एंड पे आने वाला हूं, जिसके तहत आपको सिलेबस मिला। अब वो शुरुआत हो रही है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम उन्नीस सौ 23। अब इस एक्ट में ऐसा सभी ने जो शब्द अधिनियम में आए हुए हैं उनको अधिनियम में जिस ढंग से परिभाषित किया गया है हर एक्ट में,
वो डिफिनेशन जरूरी है। जो शब्द है, जो टर्मिनोलॉजी आती है उपयोग में, उसको उस अधिनियम में परिभाषित किया जाता है कि जो परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है उसी आशय के तहत उसी सेंस में उस शब्द को पढ़ा और समझा जाए। ठीक है, जो भी उसमें शब्द प्रयोग किए गए अध्ययन में उनको जिस ढंग से उसमें प्रभावित किया गया है उसी आशय में उसी तरह से उसको पढ़ा और समझा जाएगा। ठीक है, तो परिभाषित किया गया है परिभाषा। तो पहला क्रॉस है इसका, वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन में अब देखिए क्या क्या शब्द है जो इस अधिनियम इस प्रयोग किए गए हैं, वो किस रूप में उनका आशय क्या है, अर्थ क्या है और किस अर्थ में वो प्रयोग किए गए हैं इस अधिनियम। और हमारे आपके लिए उपयोगी है कि उनको उसी आशय में उसी अर्थ के तहत उनको पढ़ा जाए समझा जाए। अब ये जो कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। महत्वपूर्ण अधिनियम है नंबर एक। ठीक, इसके द्वारा और क्या हुआ, कर्मकारों की स्थिति में काफी सुधार हुआ। काफी सुधार तीसरा है, किसी कर्मकार का प्रतिकार तभी देर होगा, कितना होगा, हो गया,